ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के पीछे पड़े हैं, और ऐसा पीछे पड़े हैं कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है, और ये 400 पार को हम लोग बाद में समझ में आए, ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543, और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही है बीजेपी, 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं, 140, और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी दर्शा देगी। इन्होंने वादा किया था हमारे किसान भाइयों को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ किसान भाई हैं यहाँ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताइए, ना आय दोगुनी हुई और ना ही फसल की खरीदने के लिए कोई इंतजाम किया, पैदावार की कीमत तो दूर, लेकिन इनके कार्यकाल में लगातार राहत बढ़ती चली जा रही है, जो हमारा किसान है गरीब है गांव में रहने वाला वो जानता होगा खेती